फ्रेंड्स, मैं मसूद मेहंदी रिजवी, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टी एम टेक। तो फ्रेंड्स, ये एक एलजी कंपनी का स्प्लिट एसी है और आपको दिख रहा होगा इसका आउटडोर यूनिट है। इस एसी में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये स्टार्ट नहीं ले रहा था, कूलिंग नहीं कर रहा था। तो होता क्या था कि जब हम ऊपर आए तो देखा खाली कंप्रेसर की आवाज़ घनघनाती थी, लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा था, जिसकी वजह हमने ढूंढने की कोशिश की। और जब ढूंढा तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें ये कैपेसिटर लगा हुआ है और ये कैपेसिटर पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया है, ये फट गया है, जिसके कारण ये एसी स्टार्ट नहीं ले पा रहा था और इसी वजह से कूलिंग नहीं हो रही थी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें 50 एमएफडी का कैपेसिटर लगा हुआ है और ये पूरी तरह से ओपन हो गया है, ब्लास्ट हो गया है। ये पहले से वीक रहा होगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये ख़राब होना शुरू हुआ और आखिरी टाइम पे ये ब्लास्ट हो गया। तो इस कैपेसिटर को चेंज कर देंगे, हमारा एसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर से वैसे ही काम करने लगेगा, कूलिंग होने लगेगी। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको यही बताना चाहता था कि कंप्रेसर अगर स्टार्ट नहीं ले रहा है तो इसका जो कैपेसिटर होता है उसके वीक होने की सबसे बड़ी संभावना होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।